हाय गाइज़, वेलकम बैक ओवर चैनल। और गाइज, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मॉड्यूल बताने वाला हूँ मैजिक्स के लिए। शायद आप में से कई सारे दोस्त इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एक बेहतरीन म्यूज़िक सुनना चाहते हैं आपके स्मार्टफोन या फिर आपके हेडफोन्स में, तो आप जो है वाइपर 4 एंड्रॉयड एफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, जो मैं अपने फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज़, मैं आपको जो है कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप इसको जो है कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये है मेरा मैक्स प्रो M1, या फिर आप जो है किसी भी स्मार्टफोन में इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा फ़ोन जो है रूटेड होना बहुत ज़रूरी है। उसमें TWRP फ्लैश करना पड़ती है, उसके बाद मैजिक्स को फ्लैश करना होता है। तो जो बंदे अपने फ़ोन को रूट करते हैं और मैजिक्स वगैरह को यूज़ करते हैं, तो उन्हें पता है कि इसको कैसे करना है। और अगर आप नहीं जानते हैं कि मैक्स प्रो M1 या फिर आपका कोई भी अदर डिवाइस है उसको कैसे रूट करना है, तो वो भी आपको जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों वाइपर 4 एंड्रॉयड एफेक्ट्स एंड्रॉयड ऐप, जो रूटेड डिवाइस के लिए बनाई गई है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हेडसेट में, फ़ोन स्पीकर, ब्लूटूथ डिवाइस और USB डॉक वगैरह में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे फिर वो यूट्यूब हो, गाना ऐप हो, या फिर जो भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप होती है जहाँ पर हम म्यूज़िक वगैरह को सुनते हैं, सभी पे ये वर्क करती है। और वाइपर 4 एंड्रॉयड एफेक्ट्स ऐप में हमें जो है हर तरह की सेटिंग मिल जाती है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। यहाँ पे सबवूफर, इक्वलाइजर और बेस, बीट, हर चीज़ आप यहाँ पे जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसा आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं उसी तरह से यहाँ पे आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही एडवांस लेवल की एक ऐप है एंड्रॉयड डिवाइस के लिए, जो रूटेड डिवाइस पर काम करती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको आपको कैसे इंस्टॉल करना है और इसको कैसे यूज़ करना है। अगर आप इसको पहली बार यूज़ कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको इसकी सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो ये है कि अब तक आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जो है पहुँचती रहे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है। वाइपर 4 एंड्रॉयड एफेक्ट्स को यूज़ करने से पहले हमारे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद TWRP को फ्लैश करना है और उसी के ज़रिए हमें जो है मैजिक्स मैनेजर ज़िप को फ्लैश कर देना है, और फिर हम जो है इसको देख पाएंगे कि हमारे फ़ोन में जो है मैजिक्स मैनेजर आ चुका है। और उसी में हमें यहाँ पर जो है कई तरह के मॉडल्स देखने को मिलते हैं डाउनलोड्स में, और बहुत ही बढ़िया मॉडल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं हर डिवाइस के लिए, जहाँ पर आप जो है आपके डिवाइस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और उसी में से आपको एक मिलता है वाइपर 4 एंड्रॉयड एफेक्ट्स, जो मैंने पहले से ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है। फिर भी मैं आपको दोबारा से इसकी सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ, आपको इसको कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे फ्लैश करना है। तो गाइज़, आपको ये मॉडल्स मिल जाएगा, इसी में आपको जाना है डाउनलोड्स में, और यहाँ पर आपको सर्च करना है वाइपर 4 एंड्रॉयड एफेक्ट्स। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डाउनलोड और इंस्टॉल का। तो आप जो इसको डाउनलोड करके भी TWRP के ज़रिए इसको फ्लैश कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहां से इसको फ्लैश कर सकते हैं। तो यहां पे ये हो रहा है डाउनलोड, और डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद हम जो है इसको फ्लैश कर देंगे। तो गाइज़, मैं अपना अभी फ़ोन जो यूज़ कर रहा हूँ वो है मैक्स प्रो M1, जहां पे मैंने एंड्रॉयड 9 की कस्टम रोम फ्लैश किया है, जो है हैवक OS, और ये 2019 की पहली अपडेट है इस रोम की। और इस रोम में अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी इसमें जो है PUBG या फिर इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही है। तो आपको मैं जो उसका भी रिव्यू करके बताने वाला हूँ। तो गाइस, इस तरह से यहाँ पे ये फ्लैश होता है, और इस प्रोसेस के दौरान हमें यहाँ पे जो है वॉल्यूम अप बटन को जो है प्रेस करना है जब ये परमिशन मांगता है। जैसे जैसे ये आपको वॉल्यूम अप प्रेस करने के लिए कहता है, उस तरह से आप इसको यहाँ पर जो है प्रेस करते रहिए, और यहाँ पर हमारा डिवाइस में ये जो है इंस्टॉल होते जाता है। तो गाइज, यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो ये मांग रहा है यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करने के लिए। जैसे जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे इसके जो ड्राइवर है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाते हैं, और लास्ट में यहाँ पे ये डन हो जाता है, और हमारा डिवाइस यहाँ पे अब जो है कम्प्लीटली इसको फ्लैश कर चुका है। हमें यहाँ पर इसको रिबूट कर लेना है। तो चलिए अब कर लेते हैं इसको यहाँ पर रिबूट, और इसको कैसे आपको यूज़ करना है ये भी हम देख लेते हैं। इस ज़िप फाइल को फ्लैश करने के बाद हमें फिर इस APK फाइल को भी इंस्टॉल कर लेना है वाइपर 4 एंड्रॉयड एफेक्ट्स की, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको जिप में तो फ्लैश कर लिया है, लेकिन हमें जो है APK फाइल भी यहाँ पे हमारे फ़ोन में इंस्टॉल करना है। तो गाइज़, यहाँ पे अभी हमारे फ़ोन में ये जो है
पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है, ड्राइवर वगैरह भी यहाँ पे हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं वाइपर 400 FX के। उसके बाद हमें यहाँ पे एक वार्निंग दिखाई देती है प्ले स्टोर की तरफ से, तो इसको हमें जो है इग्नोर कर देना है और उसके बाद फुली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है पहले देख लेना है यहाँ पे हमारे ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल हुए हैं या नहीं हुए। तो अगर हमारे यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं तो फिर हमें यहाँ पे इसको यूज़ करना है। तो अगर आप इसको पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मैं कुछ प्रोफाइल्स की लिंक देने वाला हूँ जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको जो है इसको एक्सट्रैक्ट करके आपके फ़ोन के जो फोल्डर है जहाँ पे इसका फोल्डर बनता है वाइपर 400 FX का, वहाँ पे उसको आपको पेस्ट कर देना है और यहाँ से आप इसको लोड कर सकते हैं। जहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है लोड इफेक्ट प्रोफाइल का, तो यहाँ पे आपको इतने सारे प्रोफाइल्स मिल जाएंगे जो अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं और ये सारे डेवलपर के बनाए हैं जो इसको यूज़ करते हैं। तो ये बेस्ट प्रोफाइल रहेंगे अगर आप इसको यूज़ करना चाहेंगे आपके फ़ोन में, चाहे फिर स्पीकर के लिए हो या हेडसेट के लिए हो या फिर USB डॉक के लिए हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसको आपको कैसे यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे कुछ zip फाइल डाउनलोड की है XDA से, आप भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी वाइपर 400 FX के लिए। तो ये zip फाइल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके अलावा भी बहुत सारे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको एक्सट्रैक्ट वाइपर 400 FX फोल्डर में जो आपको आपके इंटरनल स्टोरेज में देखने को मिलता है। तो ये रहा गाइस इसका वो फोल्डर, और यहाँ पे आपको एक और फोल्डर मिलता है प्रोफाइल्स का। तो यहाँ पे मैंने उन सारे फोल्डर को पहले से ही रखा है, तो मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरह से इनको जो है मूव या फिर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको जो है इस फोल्डर में कई तरह के फोल्डर देखने को मिलते हैं प्रोफाइल्स के, तो इसको हम अपलोड कर सकते हैं वाइपर 400 FX से। तो चलिए यहाँ पे इसको एक को लोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है इसके मेनू में और यहाँ पे ये आपको दिखाई देते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे पसंद आता है आपके हिसाब से आप इसको यहाँ पे लोड करके एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप जो है आपके रूटेड फ़ोन में वाइपर 400 को यूज़ कर सकते हैं, जो मुझे डॉल्बी एटमोस और डिजिटल से काफ़ी बेटर लगता है। यहाँ पे सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, जैसा आप म्यूज़िक सुनना चाहे वैसा आप यहाँ पे सुन सकते हैं। और जाने से पहले आप सभी को एक मुफ्त की सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं आपके फ़ोन में, तो इसको यूज़ करते टाइम आप हेडसेट या फिर एयरफोन या फिर एक्सटर्नल स्पीकर ही यूज़ करें। अगर आप यहाँ पे फ़ोन स्पीकर में इसको यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपके फ़ोन का स्पीकर यहाँ पे ये डैमेज कर सकता है, इसलिए गलती से भी फ़ोन स्पीकर में इसको यूज़ मत करना। बाद में मुझे ये मत कहना कि आपने ये चीज़ बताई नहीं, हमारे फ़ोन का स्पीकर यहाँ पे डैमेज हो चुका है। गाइज ये काफ़ी पावरफुल एप्लीकेशन है रूटेड फ़ोन के लिए, जहाँ पे आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं आपके म्यूज़िक पे, यहाँ तक कि हम इसको YouTube, MX Player या फिर हमारे फ़ोन का जो वीडियो प्लेयर होता है वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज बी केयरफुल अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है और वाइपर 400 FX APK फाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्रोफाइल zip भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और इसको आपको इंस्टॉल जो है मैजिक से ही करना है या फिर अगर आप एक्सपोज वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाता है। तो सबसे सिंपल तरीका है मैजिक्स वाला, तो मैंने आपको बता दिया। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जो है कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और जाने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। और अब तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जो है पहुंचती रहे। तो गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।